गुड़गावा। अरे यार फोन कर रहा हूँ, फोन तो उठा लो। नहीं यार मैं दो तीन बार फोन किया, मैं यहीं पे खड़ा था। एक मिनट, द कंप्लीट गाइड एंड अनामिका जी आपको देंगे एक स्टार, क्यों कि आपने बोला तेज भगाओ, तो ये हमारे में नहीं है। हम तेज अपने, मैं तब भी वैसे लेके आता। एक्शन क्या होना इंगित नहीं है। रिकॉर्डिंग अभी जैसे तुम्हारा रिकॉर्डिंग हो रहा है, तुम्हारा रिकॉर्डिंग हो रहा है, मुझे पता है ना। इधर आओ, यहाँ चेक हो। तो स्वागत है दोस्त एक नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। वैसे तो भाई एक से चार तीन छुट्टी हो चुकी है अपनी त्योहारों के कारण, तो भाई एक राइड हमने एक्सेप्ट करी है ओला में, ठीक है। और शास्त्री नगर जाना, शास्त्री बिहार, शास्त्री नगर पता नहीं क्या है, पर भाई 23 किलोमीटर का 220 दिखा रहा है, हमने भी एक्सेप्ट कर लिया भाई 23 किलोमीटर का 220। जा रहे 800 मीटर की दूरी है, मीटर रीडिंग अपनी 876, टाइम हो रहा अपना 9:08। तो दादा ना देरी करते हुए कस्टमर के पास मिलते, तो भाई लोकेशन पे तो आ गए हम, देखते हैं क्या होता है। बाकी कैमरा तो बढ़िया चल रहा, क्यों भगवान की तरह से चलते रहे। हेलो घुमा लो, पीछे ही हो, ये लफड़ा बहुत है। 1 7 4 9 5 कितने किलोमीटर है। एक बाइक का प्रॉब्लम हो रहा है यार, बार बार ऑफ ऑन ऑफ ऑन हो रहा है, ये दिखाना पड़ेगा। हाँ मैडम बैठी, चले मैडम। क्यों भाई 24 किलोमीटर दिखा रहा है, 1 घंटा 11 मिनट सो ये रंग एंड ट्रिप 214 में कोई सा भी नहीं ले रहा, पर ले ले। हाँ ले लिया, ओके ओके थैंक यू। यो भाई कैश कनेक्शन सबमिट, 5 स्टार बिल्डिंग, और मैं कितना दिया 220। और ये वाले पर चलते हैं, सेक्टर 49 था। किधर है किधर है किधर है भाई, बगल में तो खड़ा हूँ मैं भी, है किधर, आ गया मैं रेलवे स्टेशन पे। सूरज अरे खड़े बाल के किधर गया है, कोई ले गया क्या इसको। लोकेशन पे ही दिखा रहा भाई, रोड के पास खड़ा है भाई जी, जहाँ ऑटो खड़े हैं वहीं पे खड़ा हूँ। फोन तो उठा लो, आ जाओ भाई। गुड़गावा। अरे यार फोन कर रहा हूँ, फोन तो उठा लो। नहीं यार मैं दो तीन बार फोन किया, मैं यहीं पे खड़ा था। एक मिनट, 6175। आ जाओ भाई बैठ जाओ भाई, जॉब तो अपनी यही है, फुल टाइम भी पार्ट टाइम भी, और हमें तुम कहीं पे भी ले चलो, नोएडा ले जाओ, गाजियाबाद ले जाओ, सोनीपत ले जाओ, ले जाने वाले बनो बस। चलो भाई कित 1.5 घंटा जाम भी तो होगा ना, सुबह सुबह का टाइम है, 35 किलोमीटर है, 1.5 घंटा निकलता तो उसको वही बताया जी, वो माल की ना भाई, मैं नहीं हूँ, मैं नौकर आदमी हूँ। ठीक है ठीक है, 278 हेलो पार कोड, ओके थैंक यू, कंप्लीट, 5 स्टार टन, कितना दिया 278 का, हो जा 262, चलो ठीक रेट बढ़ गया, बढ़ गई है, 6 रुपये किलोमीटर कौन जाएगा, चल पा गया से। चलो दोस्तों देखते हैं अगला अपडेट, 11:17 कोई बढ़िया सा अपडेट हो जाए। अरे ये तो QR कोड है, ऑनलाइन पेमेंट है यार। देखो भाई दोस्तों, एक बजरी है अपनी कितनी 516 रुपये की ड्राइव में, 3.5 दिखा रहा है, वैसे 5 किलोमीटर का अंदर की तरफ से, ठीक है, और जाना है इसको 60 किलो, तो 60 ये हो गया, 5 ये हो गया, 65 हो गया, अब मैं 600 रुपये बोल रहा हूँ, 594 रुपये। जाना हो तो मिलेगा, नहीं जाना होगा तो बाहर में जा, बस ऑनलाइन पेमेंट है पता नहीं क्या है, चल ठीक है तू बाहर जा, जा तू जा, फिर आ गया, देखते हैं मिलता कि नहीं मिलता। ये दे रहा है 6 रुपये किलोमीटर 42, चलो 11:20 हो गए,
कुछ बढ़िया सा अपडेट हो। मैं सोचा बढ़िया सा अपडेट तो है यार, मगर ऑनलाइन पेमेंट है, अकाउंट डिटेल डाला ही नहीं है इसके में, कैसे ट्रांसफर करूँगा? अरे डाल लें, इसमें क्या दिक्कत है, मगर एग्री भी तो होना चाहिए ना। 600 रुपये में हो जा, नहीं हो रहा, देख लें कैंसिल। तो भाई टाइम हो रहा है अपना 11:26, भाई सेक्टर 21 की मिली है, 81 रुपये की है। अरे हमने रेट पाव नहीं दिया, कितना है, कितना एवरेज दे रहा है, इंडियन के दे रहा है, दे दी मैंने। अरे तो हेलमेट और दिखता भी नहीं है, काला शीशा लगा हुआ ढंग से, इसके चेंज करना पड़ेगा, व्हाइट वाला लगाना पड़ेगा। भाई इस हेलमेट का शीशा भी 600 रुपये का आता है, 200-150 वाला नहीं है, 600 रुपये का सीखता। कहते ना महंगा आइटम तो महंगी महंगी चीज़ें उसके पास, ये चीज़ें कहो। मैडम अनामिका, डॉक्टर के बगल में सिगरेट, ये सही है यार, डॉक्टर भी सिगरेट पी रहा है और उसका पेशेंट भी सिगरेट पी रहा है, दोनों कामयाब है सक्सेसफुली। हाँ मैडम कहाँ पे हो? मैं आपकी लोकेशन पे ही खड़ा हूँ, क्लिनिक है कोई छोटा सा, क्या है, अन्नपूर्णा बेकरी। ये किधर है, मैं किधर हूँ पता ही नहीं, देखते कब आता। आ गया, आप आगे की तरफ हो, मैं पीछे की तरफ हूँ। पिन बता दो, 7859 यहीं से ले लूँ ना, यहीं से दिखा रहा उल्टा, चलो ये भी दिखाई रहा है। चलो भाई 11 किलोमीटर है, पर 8-10 किलोमीटर तो पड़ेगा पड़ेगा। ले लो 87 87, बार कोड दो, ले लो शेफ लो। ओके द कंप्लीट गाइड एंड अनामिका जी आपको देंगे 1 स्टार, क्यों कि आपने बोला तेज भगाओ, तो ये हमारे में नहीं है, हम तेज अपने, मैं तब भी वैसे लेके आता आपको टाइम से पहले, बट मुझे कोई गोल देता है तेज भगाओ तो मैं भगाता तो हूँ, ये नहीं कि मैं लेट करूँगा, नहीं पहुँचाऊँगा टाइम पे ही, 1 स्टार। तो 11:52 हो गए भाई, 80 रुपये मिले हमें 11 किलोमीटर। चलो कोई देखते हैं अगला पे। तो भाई दोस्तों टाइम हो रहा अपना 12:14, करीब 15 से 20 मिनट बचाया, तो एक मिनट भाई ओला में 115 रुपये का अमाउंट दिखा भाई मुझे, अब ये कहाँ नहीं दिखा, ये कहाँ जाएगा पता नहीं, मैं अंदाज़ा छतरपुर लिखा हुआ हो सकता हूँ, क्योंकि रेट कम है तो 18-19 किलोमीटर से दिखाएगा वो, ज़्यादा दूर भी नहीं है लोकेशन, बगल में है तो वेट दिखा रहा है। अगर ले लो भाई, मैंने बोला था 100 रुपये से ऊपर होगी कि मिठाई लूँगा, और मिठाई लिया, यहाँ पर एक्चुअली कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि यहाँ लोग तो आ ही चुके हैं आपकी ड्यूटी पर, जाएगा कौन, तो जाएगा कौन, मुझे मिलेगा कस्टमर पर लोकेशन, मैं यहाँ पर आके ख़त्म कर दिया ना, चलो आ जाओ, वो आ ही गया भाई कस्टमर, ऑर्डर बंद कर देते हैं, उसे ऊबर भी बंद कर देते हैं, ओला हाँ मैंने, हाँ बताइए बैठ, कहाँ का है, छतरपुर, कहाँ से दिखा रहा है भाई, बोलने दीजिए 17 किलोमीटर इधर से दिखा रहा है क्या, सही चलो भाई 36 मिनट। चलो भाई हमने तो डिलीवरी दे दी, डिलीवरी मतलब कि ओला में कर दिया हमने, राइट डन, ठीक है 113 रुपये मिले हमें 18 किलोमीटर के। यहाँ करते हैं पोर्टर ऑन, ओवर कर दिया है, ये आ गया नेहरू प्लेस ले लेते हैं, नेहरू प्लेस लिया ना, पता चले कहीं और ले लिया, देखते हैं इसका पिकअप लोकेशन, वैसे भी लोकेशन तो गड़बड़ा रहा है, मिलता है कि नहीं मिलता, जाने कहा लोकेशन घुमा रहा है यार बंदा, एक तो गलियों में मैप है ना चिड़पड़े उड़ जाता है, चिड़पड़े हो जाता था, हमें तो घंटा नहीं पता होता नहीं बनता कहाँ है, एज पर लोकेशन आ गया, लोकेशन एज पर लोकेशन टू एज पर लोकेशन, बन इसको बंद करो, अराइव किधर है, अरे हरे पोटर बजेगा, टैंड क्या बज रहा है, ले गया कोई, यहाँ तो मिलना मुश्किल है, वेट करता हूँ थोड़ी देर,
मैं इसको भी बंद करो यार, पक पक कर रहा बहुत। अच्छा मिले तो कॉल करता हूँ। आजा भाई आज वो लोकेशन सीधे सीधे के एक तो इतनी घिसने में से आया हूँ, एक तो इतनी बड़ी मुश्किल से पहुँचा हूँ। बाकी हाँ जी रैपिडो किया था, वहाँ तो लोकेशन पे खड़ा हूँ। अरे मैडम जो लोकेशन बोला है एज पर लोकेशन, हाँ तुम्हारे लोकेशन पे खड़ा हूँ मैं। अच्छा है ना ना, कोई रैपिडो बुक करा है? कहाँ है? वेयर यू फ्रॉम? किधर हो? भाई साहब कुछ पता ही नहीं है इनका। अरे यार 28 रुपये की बच रही है, कितना टाइम लग। तो भाई वो तो कैंसिल करा दिया रैपिडो में, मैडम को लोकेशन ही डालना नहीं आता था, हमें क्यों घुमा रहे हो? तो भाई कैंसिल करके 10 रुपये ले लिए हमने घुट पे, ठीक है। और वहाँ पे 199 रुपये का पार्सल बचा पालम के लिए। पालम कौन सी जगह है ये नहीं पता, गुड़गांव है या फिर द्वारका है। 19 किलोमीटर का 199 रुपये दिखाया। तो भाई लोकेशन पे तो आ गया हूँ, कस्टमर को फ़ोन कर दिया मैंने। कस्टमर कह रहा है ठीक है तुम वहीं रुको, मैं बंदा भेज रहा हूँ। बंदा भेजता है तो मैं यहाँ से पार्सल लेता हूँ और देखो बंदा कहाँ। बैटरी बहुत ख़त्म हो गई, देख लिया। अच्छा तुम हो क्या? मैं तो उसे समझ रहा। अच्छा पेमेंट कौन करेगा? वही करेंगे। लो भाई पार्सल तो ऐसे खुल लिए। कंफर्म पिकअप स्टार्ट करो। ये देखो कहाँ देखा हुआ 20 किलोमीटर यू टर्न लेते हैं, वाला गुड़गांव वाला ही है। ठीक है जैसा भी है, चलो मिलते हैं फिर। तो भाई पार्सल तो सर ने ले लिया है, ठीक है, मतलब कि 1 किलोमीटर पहले ही अपडेट कर दिया होगा, ऑनलाइन पेमेंट भी होगा इनका। मुझे तो 93 दिखा रहा, बाकी मुझे तो 192 रुपये दिखाए थे। कंप्लीट कर देते हैं, हमें कितना मिलता है? 2:08 हो गए मुझे अपडेट, अब हो रहा 193 मिले भाई। कितने हैं? 370। अरे 37 रुपये। कई बार ऐसे धोखे में मत ले लेना, दिक्कत हो जाएगी। 53 नहीं चाहिए। 2:09, ये कौन सा है? कहाँ है? बस स्टैंड घुसल खाना 98 37। पिकअप बहुत दूर है, देखते कोई बढ़िया मिलेगा तो उठाएंगे। तो भाई यहाँ पे पार्सल देने के बाद एक वजीद भाई कहाँ की बच गई है? 25 मैं लूँगा अभी भाई। उसके लिए रैपिडो में 34 रुपये एक्स्ट्रा दिखा रहा भाई, 34 रुपये एक्स्ट्रा। अमाउंट का पता नहीं है, 20 जाना बगल में ही है, पता नहीं क्या ये। मैं अपने भी तो दुश्वार कर रखा है जिंदगी यार। बंद करो, अरे यार फिर बच गया। बंद हो जा बाप मेरे, डिस्टर्ब देते हैं कभी कभार, ऐसी दिक्कतें होती है ना, लस्सी चढ़ती है। जब बैठे रहेंगे तो तब तक तो पापा पप्पू कुछ नहीं करेगा है। अपन अंदर की तरफ दिखा रहा है, पता नहीं शनि भैया की चलता। 100 meters आगे भाई, कितनी दूर पहुंचेगा? अरे मैं बोल चक्कर पर नहीं हूँ। आगे भाई आगे कौन है? कौन है? कौन है? कौन है भाई जो 38 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं? यहाँ कर रहा है सचिन नाम है। अच्छी वेगनार निकली कॉल सेंटर वाले। यही है 63 98 63 58 58 58 98। मेरा खुला बाप मेरे, चलो भाई 6 किलोमीटर सारा। बसंती एक्सेप्ट करो, लोकेशन चेंज हुआ है ना, पूछ रहा है कस्टमर ने बोला है ड्रॉप करने के लिए, तो बोलो हाँ। मैसेज आया होगा ना,
देखो मोटर बच गया वह है, कहाँ से बच गया वो? 102 कौन जाएगा? It's supposed to be here, man. And trips. I want to drop here. 95. मेरे को दो. खुले हैं मेरे पास ना, नहीं खुले. ऑनलाइन कर दो. ऑनलाइन कर दो या फिर क्या है, खुले दे दो यार, मेरे पास खुले ना है कोई भी. 90 कितने? ला यार नकल तो. अरे मेरे पास होते तो फिर बात ही अलग थी ना भाई मेरे. वही तो कह रहा हूँ, खुले नहीं. उसके देख ले, उसके पास हो दे वे तो ठीक, ना दे वे तो कोई बात नहीं. 40 रुपये एक्स्ट्रा ट्रिप फेयर है, देख लो 40 रुपये ट्रिप एक्स्ट्रा. 113 मिला, कितना है हमें इस ट्रिप का? 103 रुपये एक्स्ट्रा का, तो यही फायदा. ये लो भाई, थैंक यू. गुड़गांव सेक्टर 9. नाइस. नहीं आ रही थी, मैं नहीं जाऊँ उधर. चलो धन्यवाद. 40 सेक्टर 6 किलोमीटर. चलो देखते हैं कौन सा पकड़ते हैं, बताते हैं. 120 की बची है भाई, अभी ये नहीं पता कहाँ की बची है. मैंने 120 देखा उठाया, खत्म कहानी, टेंशन फ्री. अभी क्योंकि अपने पास तो बहुत सा टाइम है मेरी रानी. 100 मीटर 50-25, 30-35 की बज रही है. अंदर रोड पे है, घुमा इधर रहा है. 13 किलोमीटर 120 साथ में, किसी हिसाब से दे रहा है यार. स्लोवेनिया में तो ठीक है, कोई भी हो ना लग गया. फोटर नहीं, शॉन मेरे भाई किधर हो? आजा भाई, तुम तो नहीं हो काले टी शर्ट वाले भाई, करना पड़ेगा. उबर उबर तीन बता दे मैंने, तीन क्या है? 7509 मेरे भाई. और तेरी ये कहाँ है कार? देखते हैं कहाँ का है, नहीं है. लंबा ही उठा लिया लग रहा है आगे की तरफ का. 15 किलोमीटर दिखा रहा. चले ठीक है, यहाँ से ठीक है, बता देना. ये लो जी सेकंड डे. गाँव है क्या? गाँव है सोसाइटी है नहीं, गांव टाइप की है ना, इसलिए 130. एक बारी एक यहाँ पे लेके भी आया था एक बारी, तो यहाँ से एक मैडम को लेके गया था. वो सामने स्कूल है ना, उसी स्कूल में से बड़ी नक्चड़ी मैडम के पास है, इतनी बदतमीजी से बात करती है. मेरे को एक गली देख के याद आ गया उसके सामने स्कूल है ये. 123 ठीक, थैंक यू. चलो भाई 123 कंप्लीट करते हैं, 5 स्टार देते हैं और जंगल के एरिया में आ गए हम. यहाँ ज़्यादा बता के जा मिले नहीं मिले कोई पता नहीं, अपडेट हो जाए भाई. 114 मिले भाई 15 किलोमीटर के, ठीक है कोई बात नहीं, जो भी मिले अच्छा मिले. तो 3 बज तो दोस्तों भाई टाइम देख लो, 4:14, 1 घंटा हो गया मुझे. मैं 66 में था, 66 में आने के बाद मैं करीब यहाँ से करीब कितना 46 किलोमीटर था, 39 बचा है, 7 किलोमीटर मैं खाली आया हूँ. बीच में एक बजा भी था, ठीक है रैपिडो का बजा था, मैंने उठा भी लिया था वो, मगर बंदा राइड पर पार्सल भेज रहा, ठीक है. अरे यार ये प्रॉब्लम कब ठीक होगी? मैं चलो चलो यार यहाँ पे आ जाता हूँ सेक्टर 44 के आसपास, यहाँ से कुछ मिल जाएगी. बट ना उम्मीद, बैठे बैठे यहाँ हो गया बोर, ठीक है. तो अब यहाँ से जाऊँगा सीधा वो देवघर. अब जहाँ ना मिले वहाँ मिले, कहाँ मिले? वो देवघर मिले.
अगर उद्योग विहार से पहले कोई बच गई तो अपडेट कुछ होगा तो जरूर ग्यारह मिनट से आपको क्या करें, काम तो स्विच कर था छोड़ भी नहीं रहा था, अब ऐसे बैठ गया कि अरे क्या हो गया। मिलते सर उद्योग विहार मिलेंगे, एक्शन क्या हो रहा है इंगेज गई है रिकॉर्डिंग, अभी अभी तुम्हारा रिकॉर्डिंग हो रहा है, तुम्हारा रिकॉर्डिंग हो रहा है, मुझे पता है ना, इधर आओ, यहाँ चेक होता है। चलो ठीक है चले, ओके। तो भाई जैसे कि मैंने बताया था कि ककड़ोला अगर लेके जाऊँगा तो जाऊँगा तो जाऊँगा और लेके जाऊँगा ही। तो भाई हमें ओला पे मिल गई ककड़ोला की, कितना किलोमीटर, 22 किलोमीटर, 178 रुपये दिखा रहा है, और बगल में ही है कस्टमर, ज़्यादा दूर नहीं है, अगर जाऊँगा तो खाली लेके ही जाऊँ। तो दोस्तों जैसे कि बता रहा था भाई बैटरी है कम, ठीक है, और एक बज गया हमें उबर में द्वारका सेक्टर के लिए, 178 रुपये का अमाउंट है। लोकेशन पे आ गया हूँ, कस्टमर को फ़ोन कर रहा हूँ कि उधर बैटरी कम हो रही है, बच गए तो ठीक है। हेलो मैडम, मैडम तुम्हारे लोकेशन पे हो, आप कहाँ हो? ए मैडम बाहर भी नहीं आए हो, गिर कहाँ आप भी हो क्या? अच्छा बैठो मैडम, 2608 बैठ जाओ पहले आप, नेक्स्ट किलोमीटर है सारा। तो फाइनली दोस्तों छोटी बता ही देता हूँ कि फिर मैडम को छोड़ने के बाद एक बजा था द्वारका के लिए, उत्तम नगर के लिए, और मैं लोकेशन पर पहुँच ही गया था, पर यार लोकेशन पर पहुँचने के बावजूद भी इसने फ़ोन नहीं पिकअप किया, दो तीन बार कॉल किया उठाया नहीं, मेरा मत्था ख़राब हो गया, अरे कैंसिल किया, मत चल पड़े यार निकल। तो फिर भाई टोटली बता देता हूँ, हमने रैपिडो में काम किया है 123 रुपये का, ऊबर में किया है 813 रुपये का, और ओला में काम किया है 333 रुपये का, तो टोटली हो जाता है हमारा 1274 प्लस 5 रुपये जो एक्स्ट्रा हमें मिला था, ठीक है। और बाइक चल गई हमारी 300 रुपये का पेट्रोल लग गया भाई, कम से कम 180 किलोमीटर बाइक चली चुकी है। तो 25 रुपये हमने दे दिए अपने उबर आने को और 10 रुपये दे दिए हमने ओला राजा को, इन सबको काट पीट के हमारे पास बचता है 939 रुपये। अब बात करें कितने घंटे में, तो भाई सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक ड्यूटी करी हमने, तो कितने घंटे हो गए, 9 घंटे हो गए, 9 से 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए 9 घंटे, 9 घंटे काम करके हमने 939 रुपये कमाया, पर घंटा 100 के पार हुआ, ठीक है। तो यही थी आज की कमाई भाई, दिवाली के 3 दिन के बाद मैंने काम स्टार्ट किया, अच्छा स्टार्ट हुआ, और भगवान करे ऐसे चलता रहे काम, ठीक है। तो यही हमारी कमाई है भाई 9 घंटे में 939 रुपये। तो ज़्यादा ना पकाते हुए ना ज़्यादा बोर करूँगा, आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हुआ, अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू वॉचिंग, बाय।